हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज की जो ये वीडियो है वो अपडेट के ऊपर होने वाला है, जो यूट्यूब की तरफ से खुद आया है, मेल पर आया है और आप लोग को भी आया होगा क्योंकि मेरे पास दो चैनल हैं और दोनों चैनल पर जो है वो अपडेट आ चुका है। क्या अपडेट है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ करना है, आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे चैनल पर प्रमोशन चल रहा है, तो परमेश्वर विनर को निकाल लेते हैं, तो भाई साहब विनर हो चुके हैं, तो भाई को जाकर कीजिए सपोर्ट। यहाँ पे उनका जो है चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ कि अपडेट क्या है, और यहाँ पे अपडेट जो है इससे जानकारी से जुड़ा हुआ है जिससे कि आपका जो है चैनल खतरे में ना हो, यानी कि आपने कहां कहां लॉगिन किया था, कहां कहां आपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन किया है, वो पूरी इंफॉर्मेशन इसमें बताया जा रहा है और आपको जो है उससे सेव रखने के लिए यहां पे जो है इंफॉर्मेशन बताया गया है। तो चलिए साइड में हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाते हैं, वहीं पर हम आपको समझाएंगे। तो साइड में हम यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा चुके हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ रहा है, आप जैसे कि यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आ रहा है। तो इसको मैंने क्या किया, हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया। हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद इसको मैंने पूरा पढ़ा, तो यहां पर लिखा हुआ था कि यहां पर मतलब बहुत सारा जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है कि आपका जो है कहाँ कहाँ लॉगिंग है, कैसे बचना है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आप अपने जो है ईमेल अकाउंट खोल करके देखोगे जिससे यूट्यूब चैनल चलाते हो, ठीक है, वहां पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद किस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो साइड में इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, क्रोम ब्राउजर यानी कि जिस भी ब्राउजर में आप खोलना चाहते हो खोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आ रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे योर पासवर्ड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो योर पासवर्ड पे यहाँ पे ग्रीन टिक लगा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन टिक लगा हुआ है, यानी कि मेरा पासवर्ड सिक्योर है और वो जो पासवर्ड है मतलब अच्छा पासवर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टू वेरीफिकेशन, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टू वेरीफिकेशन ऑन है, तो यहाँ पे ग्रीन टिक लगा हुआ है। यदि आपने ऑन नहीं कर रखा है तो आपको जो है ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो है इस तरह का इंटरफेस खुल के आया, जैसे मेरे फर्स्ट में दिखा रहा है, तो मैं भी उसके बारे में बात करूंगा। चलिए यहाँ पे जो है टू वेरीफिकेशन मेरा जो है ऑन है, यहाँ पे आपको जो भी करना पड़ेगा, यदि नहीं किए हो तो करना पड़ेगा क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसको जो है इनेबल करना पड़ेगा, नहीं तो भाई चैनल पर खतरा बढ़ जाएगा, यहाँ पे चैनल जो हैक होने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा, जिससे कि इसको पूरा ग्रीन टिक लगाना है होगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है आपको ग्रीन टिक पूरा से पूरा अच्छे तरह से लगाना है। चलिए यहाँ पर जो है एक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास यदि जिस फोन में आपका जो लॉगिंग है, यहाँ पे जिस फोन में आपका जो है लॉगिंग किया था वो यहाँ पे बता देगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ से आप देख सकते हो इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पे तो ये हो गया, और दूसरा जो है यहाँ पे दूसरा अपडेट है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो ये वाला योर डिवाइस, यानी कि आपने जो है इस जीमेल अकाउंट को कहाँ कहाँ लॉगिन किया था, यानी यूट्यूब वाला जीमेल अकाउंट को आपने कहाँ कहाँ लॉगिन किया था वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने देख लीजिए, यहाँ पे मैंने कहाँ कहाँ लॉगिन किया था, यहाँ पे तीन चार मोबाइल दिखा रहा है, तो तीन चार मेरा ही फोन है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो है एक मम्मी का, एक पापा का, मतलब सारे जो है जितने मेरे फिर डिवाइस है, मेरे पास जितने डिवाइस है सब में मैंने ये लॉगिन किया है, क्योंकि मेरा जो है लाइव आना पड़ता है, इसलिए मैंने सब में लॉगिन करके रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपने नहीं रखा है तो आपको यहाँ पे, यदि आपने अदर पर्सन के अकाउंट रखा होगा तो यहाँ पे आपको बताएगा, उस पर क्लिक करके आपको हटाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे जो है ये समझा दी, और यहाँ पे आप देख सकते हो साइन आउट का भी ऑप्शन आ चुका है, आप यहाँ पे सामने देख सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पे क्या है कि टू वेरीफिकेशन यहाँ पे इनेबल है नहीं है, यहाँ पे आपको साफ साफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और आपको जो है रिसेंट में मतलब यहाँ पे आपका जो है जीमेल अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है ये आपको दिखा रहे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, रिसेंट में यानी कि आपका जो है जीमेल अकाउंट कहाँ पे अभी लॉगिन चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिखाएगा। चलिए यहाँ पे तो ये बात हो गई, और यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूँ, यहाँ पे ब्राउजरिंग, यहाँ पे देख सकते हो सेव ब्राउजरिंग, यानी कि आपने जो है कहीं और जगह तो लॉगिन नहीं किया, ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पे कंटिन्यू का आपसे ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यू पर मैं क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है टर्न नाउ का जो है ऑप्शन आ रहा है नीचे में टर्न नाउ पर क्लिक कर दूंगा। तो ये भी देखिए यहाँ पे ये जो है ग्रीन ऑप्शन दिखाने लगा, यानी कि आपने यदि इसको जो है ग्रीन करके लिया तो आपका यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छा तरह से सेफ रहेगा, और ये यदि नहीं किया तो आपका चैनल जो है खतरे में रहेगा और कभी भी हैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि आपको भी मेल आया है तो आप तुरंत जाकर के इसको जो है छः का छः, यहाँ पे छः जो दिखा रहा है, यहाँ पे छः का छः जो है ग्रीन टिक लगाना चाहिए। ग्रीन टिक आपको जो है लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं लगाओगे तो फिर आपका चैनल खतरे में आ जाएगा। खतरे में आ जाएगा तो फिर भैया आप तो समझ ही रहे हो कि क्या होगा आपके साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे
योगेश टच पॉइंट 2.0 के साथ हुआ क्या था कि उनका जो चैनल हैक हो गया था, सिर्फ जीमेल अकाउंट से ही हैक हो गया था, क्योंकि उन्होंने जो है कुछ नहीं कर रखा था, इसी के कारण उनका जो है चैनल हैक हो गया था। आप लोगों को मैं बता दूं, यदि आप भी बचना चाहते हो तो इस तरह से जो है आपका काम करना पड़ेगा। यदि नहीं करोगे तो भैया आप तो समझ ही रहे हो कि आपका जो है चैनल खतरे में है, और इसको जाकर के आप लोग जल्दी से जल्दी अपडेट कर लीजिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे पास दो चैनल है, दोनों चैनल पर ये जो है आया हुआ है, और मैं दोनों चैनल का जो है एक पूरा तरह से इसको जो है एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने के बाद ही आप लोग के सामने मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, और उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे जो जितना भी लिखा हुआ है इसको मैंने पहले इसको ट्रांसलेट किया हिंदी में, उसके बाद पढ़ा, उसके बाद ही आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।